सर ने बोला कि ऐसे ऐसे ऑपरेशन है, इस तरह से किया जाएगा और हवा के रास्ते से आपको कूदना है, तो कितने लोग हो जिसके लिए तैयार हो? तो वहाँ पर कुछ लोगों ने हाथ खड़ा करा, है ना। यानी वो सरप्राइज, करे इतनी बड़ी फौज है और तुम लोग इतने से लोगों ने हाथ खड़ा किया, बस दिक्कत किधर है? कोई दिक्कत नहीं, हवाई जहाज में आपको लेके जाएंगे, उसके बाद में आप वहाँ से जाएगा और फिर आपने पैराशूट की मदद से नीचे आ जाना है। तो फिर बहुत लोगों ने रिएक्ट किया, बोला सर पैराशूट भी मिलेगा? मतलब कुछ गोरखे तो सिर्फ बिना पैराशूट के तैयार थे, जो उन्होंने हाथ खड़े किए, बोला हम तो कूद जाएंगे। British and Gurkha troops are battling to split the terrorists into isolated bands and then wipe them out one by one. ये कहते थे कि कोई सेना का जवान ये कहे कि मैं मृत्यु से डरता नहीं हूं तो मान लेना या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गुरखा है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेल, आज मैं बात करने वाला हूँ गोरखा वॉरियर मूवी का ट्रेलर के बारे में और गोरखा वॉरियर हिंदी डब अपडेट के बारे में। वेल, ये सब बातें जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। वेल, मेरा नाम है स्नो सेव और आप देख रहे हो स्नो सेव यूट्यूब चैनल। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, आपको इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेगा। नेपाली मूवी वर्ल्ड का सबसे अच्छा मूवी बन सकता है, मगर नेपाली मूवी इंडस्ट्री को मूवी बनाने का उतना अच्छा नॉलेज नहीं है, क्योंकि नेपाल में वो सब लोकेशन है जो दूसरे देशों के लोग VFX और CGI के मदद से बना। और सच बताऊं तो भैया VFX और CGI इतना महंगा है कि नेपाली मूवी इंडस्ट्री को उसका कीमत पता भी नहीं होगा। नेपाल में बर्फीला जगह भी है तो भयानक पहाड़ भी है और सुंदरता की तो बात ही क्या करें। जिधर कैमरा घुमाओगे उधर ही स्वर्ग जैसा लोकेशन मिल जाएगा। और बात करें स्टोरी का, तो स्टोरी को लेकर ज्यादा मगजमारी करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे इतिहास पर भी कोई मूवी बनाए और नेपाल का इतिहास का बात तो जितना करो उतना ही कम है। अगर बात करें अपकमिंग नेपाली मूवी गोरखा वॉरियर का, तो मैंने और भी रिव्यू वीडियो देखा और थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये मूवी 1949 मलयालम जंगल में हुई गोरखा आर्मी और ब्रिटिश आर्मी के बीच हुई वार को दिखाने वाली है। एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद वो वीडियो भी देख लेना, आपको और थोड़ा 1949 के बारे में जानकारी मिलेगा। तो थोड़ा बहुत दोस्तों ने कमेंट में ये कहा है कि अगर ये मूवी हिंदी डब होता तो देखने में और अपना इतिहास समझाने में बहुत ही मदद पहुंचता और नेपाली मूवी का ऑडियंस भी वर्ल्ड वाइड में और थोड़ा बढ़ जाता। तो कुछ ऐसा राय है नेपाली ऑडियंस का। तो मैं बता दूं कि हिंदी डब को लेकर अभी तक कोई भी बातें नहीं हुई है गोरखा वॉरियर मूवी टीम की तरफ से और मुझे नहीं लगता है कि ये लोग डब करवाएंगे। और यहाँ तक कि गोरखा वॉरियर का टीम ने तो अभी तक एक छोटा सा भी मूवी प्रमोशन इवेंट नहीं किया है और मुझे नहीं लगता है कि लोगों तक इस मूवी का जानकारी पहुंच पाएगा। और मुझे जहां तक लगता है ये मूवी बहुत ही अच्छा बना है, मगर इस मूवी का प्रमोशन नहीं किया जा रहा है, इसीलिए मुझे लगता है ये मूवी बहुत ज्यादा कमाई नहीं कर पाएगी। गोरखा वॉरियर मूवी टीम को ये मूवी को प्रमोशन करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मूवी को देखें और अपना इतिहास के बारे में जानें। तो यही था छोटा सा अपडेट और रिव्यू। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज देखते हैं कि गोरखा आर्मी के लिए कितना लाइक आता है इस वीडियो में। और हाँ, चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।